वर्तमान समय भोट पाई हीन राजनीति करी कोटी कोटी जगन्नाथ प्रेमी भावावेग सह खेल खेली पूर्वतन बीजेडी सरकार ये चित्र आपण देखिपुट एक्सक्लूसिव चित्र किभली भाव में आदाय होता समस्त अर्पण चाउल को बीजेडी सरकार केनाल रे फिंगी देथिला लोकों ठारु नेले हेले कामरे लगाइले नि शेषे घुसुरी खाइला अल्प अर्पण चाउल घटना को दृढ़ निंदा करिछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। दीर्घ तीन दिन धरी गोप ब्रांच केनाल रे फिंगा जाइथिबा अर्पण चाउल को नहीं जिला प्रशासन पक्षरु तदंत न होबा कि कार्यानुष्ठान ग्रहण मध्य करा न जिबाकु नहीं साधारण प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। एहा सह आज सकाळु ए चाउल को घुसुरी खाइबा जगन्नाथ प्रेमी मध्यरे घोर असंतोष देखा तीन दिन तले गोटे मिनी ट्रक क्विंटाल क्विंटाल चाउल को आनी गोप ब्लॉक बायाकुदा निकटस्थ गोप ब्रांच केनाल रे फिंगी दिया जाइथिला। गोटे पटे 24 वर्षर स्थिर सरकार रे चाउल न पाई अनेक लोक भोकरे रहुथबा समय दुर्गम अंचल गुड़िक गंडा गंडा चाउल फोपड़ा जिबा तत्कालीन सरकार अपारगतार ये होची गोटे बड़ प्रमाण। केनाल रे क्विंटाल क्विंटाल रो अर्पण चाउल को फिंगी देछि फिंगी दिया जाइछि। अर्पण चाउल संग्रह ना रे राज्य राजकोषरु 200 कोटी टंकार बड़ अमाउंट खर्च करा जाइछि एवं सही 200 टंका 200 कोटी टंका कोनोसी सत मार्ग रे विनियोग करा न जाय बरं केनाल रे फिंगा जाइछि अर्पण चाउल। आउ सही अर्पण चाउल को जेऊ अर्पण चाउल जगन्नाथक ना रे लोकमानक थारु मगा जाइथिला सही अर्पण चाउल को आज सकाळु सकाळु घुसुरी खाउथबार चित्र सामना को आसी पहुंचीछि। कोटी कोटी टंका खर्च करागला जगतर नाथंकु राज्य सारा बुलाई दांडर भिकारी कराइले नवीन सरकार किंतु संग्रह होइथिबा हजार हजार क्विंटाल चाउल को पकाई नष्ट कर दिया गला। देखंतु एक दुखद कथा जे जगन्नाथक पाखकु प्रसाद भावी महाप्रसाद हव भावी जो चाउल को मागे नहींथिले ताकु खत खुआई घरे रखी ताकु पुणी आणिकिरी नई नाळरे ढालिबा ये को आमे निंदा करूचु। ये साधारण लोकंकर जो स्वाभिमान अछि जगन्नाथक प्रति जो श्रद्धा अछि ताकु गभीर कुठारघात करूचे। तेणु ये अंचल रे ए सबु कथा ये पुरी जिला जगन्नाथक निज जिला तेणु ये सबु कथा रे ए सबु कथा न होबा कथा या अत्यंत दुखदायक। गत बीजेडी सरकार समय रे जगन्नाथ को लेकर 4.5 कोटी ओडिया सहित जो भावावेगर खेल खेली तार परिणति आज भोगवाक पड़ू निजे दल भी गत निर्वाचन में भोगी 15,000 क्विंटाल चाउल सारा ओडिशा 4.5 कोटी भक्त देते नहींक्र मंदिर प्रसाद कर लोक को बांटे बोली कही कि चाउल मान प्रसाद योग्य हो न सुआर निजोग रिजेक्ट कर सरकार से प्रपोजाल को जहाँफल से पड़ी पड़ी से पोक हो जाइए पोक चाउल को आँ करेंगे राति अधिया भसईदे जदि से ही चाउल को महाप्रसाद नक गरीब जो लोक मैंने खाया पा ना से मानते आज ये अवस्था कौन होता तेणु यह अति निंदन घटना मत मुझे दृढ़ भाव निंदा करवा कथा नुह। संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित निमापड़ा प्रतिनिधि प्रद्युम्न बेहरा जोड़ी होती। प्रद्युम्न ये जो घटना सामना को आसुची जिते निंदा कले भी कम हेब एवं अति दयनीय चित्र कूढ़ कूढ़ चाउल एवं क्विंटाल क्विंटाल चाउल को केनाल रे भसाई दिया जाइछि एवं जगन्नाथक ना रे जो चाउल को मगा जाइथिला साधारण लोकों ठारु से चाउल को घुसुरी खाइबार चित्र सामना को आसुची याठ आउ दयनीय कौन हो पारे निहा रश्मिरंजन आम जो कह विगत तत्कालीन सरकार 24 वर्ष सरकार अपारगता जो होता गोटे आलोचना हो देखिथे निर्वाचन अभियत पूर्व जगन्नाथ को गाड़ी में बस गाँ गाँ दांड 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 बुले बुले भिकारी भाई जो चाउल संग्रह होता से चाउल को अर्पण चाउल को 4.5 कोटी ओडिया जगन्नाथ उद्देश्य देते कि बर्तमान देखिए आम गत तीन दिन तेल भी देखते जे चाउल गुड़ाक गोटे 407 निकटस्थ जो गोप दयाकुदा केनाल रही केनाल ढोआ जा घटना गोटे निहाती जगन्नाथ प्रेमी मन में घोर असंतोष देखाई आज यदि आम देखा से ही चाउल को घुसुरी खाइबार दृश्य अत्यंत हृदय विदारक जहाँ कह कथा स्थानीय अंचल गोटे मानने जो जगन्नाथ प्रेमी रही मन में घोर असंतोष देखाई से
ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ଆମେ ଜାଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାଉଳ ଆସିକି କେନାଲରେ ଭସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିଏ ଏମିତି ଟ୍ରକ୍ରେ ଆଣିକି ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କେନାଲରେ ପକାଇ ଦେଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କାହାର କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗତ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦୂରରୁ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ମିନି ଟ୍ରକ୍ରେ ଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ମିଲ୍ ମାନେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମାନ 407 ବାୟାକୁଦା ନିକଟରେ ତାରି ଚାଉଳ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ପାଣିରେ ପକା ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହଉଛି ସେଇ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ ବି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଏଥିରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନି। ଆଜିକି 3 ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି, କିଏ କରୁଛି କିଏ ଆଣୁଛି କିଏ ଥୋଇ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି କାହା ପାଖରେ ବି ଖବର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଗୁଡିକ ଖାଇଲେ ସେଗୁଡାକ ଅତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଭୋଟ ପାଇଁ ହୀନ ରାଜନୀତି କାରଣରୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ନାଁରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ଏବଂ ସେହି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ପଣ ଚାଉଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, କାହାର ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଅପାରଗତାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।